नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाऊंगा शक्तिमान कंपनी का रक्षक स्प्रेयर, जो कि ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है। स्वराज का 724 मिनी ट्रैक्टर और शक्तिमान रक्षक 400 400 लीटर टैंक है और 40 फुट एरिया कवर करते हुए चलती है मशीन। 24 नोजल लगे हुए हैं और परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। चने की फसल है, गुजरात का पाटन डिस्ट्रिक्ट का हारिज तहसील में कुवारत गांव में ये मशीन चल रही है। किसान भाई पिछले एक महीने से मशीन को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट है। दूसरे किसान भाई भी लाइव डेमो देखने के लिए आए हुए हैं गांव से। रक्षक स्प्रेयर की बात करें तो 400 लीटर टैंक है, एक 15 लीटर हैंड वॉश अलग से टैंक दिया है, 40 लीटर का सर्किट क्लीनिंग जो मशीन को साफ करने के लिए अलग से एक और टैंक दी हुई है, डायाफ्राम पंप दिया हुआ है इसके अंदर। नोजल की बात करें तो सिरामिक टू वे नोजल है और आप सभी नोजल को जितना आपको चलाना है 24 में से 10 12 16 आप उस तरह से चला के बाकी की नोजल बंद भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए 724 में चल रहा है, चने की फसल है, 2 फीट की इसमें दो लाइन का डिस्टेंस 2 फीट का है और ये ट्रैक्टर के दोनों टायर देखो दो लाइन के बीच में आ रहे हैं, 4 फीट में चल रहा है ये। तो लीटर टैंक पूरा भर के चलाया हुआ है। ट्रैक्टर में उन्होंने गार्ड भी आगे लगाए हुए हैं ताकि फसल डैमेज ना करे। ये देखिए आप नोजल का रिजल्ट देखिए, बहुत ही कम समय में एक अच्छा काम मिलता है किसान को। एक ड्राइवर की ज़रूरत है बस, और काम चालू कर दीजिए। उधर सामने से एक मशीन हमने चालू की थी, ये तकरीबन 10-15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं। खेतर कौन हुए? हमारे ये खेत के मालिक है जिनके खेत में चल रहा है। क्यों लागी हो तुमने बेस्ट पहली बार ठंडा ही ना बीजा खेतरों में घड़ा में बदाम ठंडा। कितना बीघा है तुम्हारे? अरे 150 बीघा। 150 बीघा है? 150 बीघा मानो उपयोग करे आप। बराबर, એટલે આમ તમને પેલા કરતા મજા આવી ને? પેલા પંપથી ચાંટતા એમાં શું તકલીફ પડતી? એમાં માણો અને ટાઈમ। બરાબર, અને આમાં કેટલો ટાઈમ લાગે તમને? 2 કલાક માં સંતાઈ જાય। 2 કલાક માં કેટલું થાય? 100 વીઘા સાચવે છે, 1 દિવસ માં પાણી ટેન્કર લઈને જાઉં ને, 1 દિવસ માં બધું। બરાબર, અને રિઝલ્ટ બીજું તમને કેવું લાગે? દવા માં પરફેક્ટ અને છોડ ઉપર જ પડે થાય। બરાબર, તો સમય રિઝલ્ટ અને માણસ બધાની બચત તમારે, અને દવા જેટલી છાંટો એનું રિઝલ્ટ સારું મળે। और भी किसान है तो ये भाई का 150 बीघा है और बोल रहे हैं इनसे ही अभी स्प्रे करवा रहे, एक बार करवाए अभी इनको अच्छा लगा है, टाइम भी बच रहा है, दवाई भी अच्छे से छिड़क रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट है। चौबीस घंटा नो वीगो ने क्या है, सबका स्प्रे का टाइम एक साथ रहता है तो ये एक मशीन है कि उससे स्पीड से काम हो जाता है, तो किसान भी रेंट के लिए उनको बुलाते रहते हैं। अरे भाई कौन से गियर में चला रहे थे आप? गियर कौन सा था पहले? हाई और आरपीएम रेस 540। ये माधव भाई का ट्रैक्टर है, देखो गार्ड भी लगाए हुए हैं फसल को डैमेज ना करे उसके लिए।
वेट भी रखा है क्योंकि मिनी ट्रैक्टर है, उसके पीछे 400 लीटर टैंक, 20-20 यानी 40 फीट की बूम है, तो वेट रखना तो ज़रूरी है छोटे ट्रैक्टर में। बड़ा ट्रैक्टर हो तो इससे भी अच्छा है, लेकिन इनका जो फसल को डैमेज ना करे उसके हिसाब से ये छोटा ट्रैक्टर प्रेफर कर रहे हैं। टायर किसान बोल रहे हैं टायर बाहर निकाले हुए हैं, ये जो टायर थोड़े बाहर निकाले हुए हैं। महादेव भाई कितना टाइम से चलाओ? यानी ये सीजन में दिया हुआ है और शक्तिपन के पुराने कस्टमर है, काफ़ी टाइम से अपनी श्रेडर रोटावेटर और ये अभी रक्षक भी लिया हुआ है, दूसरे किसान भी है, दूसरे किसान भी आए हुए। केवल लागू तुमने बताने, तो सबका कहना है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। स्प्रेयर भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये है शक्तिमान का रक्षक 400 लीटर सिरामिक टू वे नोजल है, आप इसको घुमा के ये बंद चालू, डायफ्राम पंप भी है, ये डायफ्राम पंप है, फिल्टर भी दिया हुआ है नीचे, मेन टैंक है 400 लीटर का, 15 लीटर हैंड वॉश के लिए, ये हाथ वगैरह धोने के लिए पाना पक्कड़ भी है वॉशिंग के लिए, और एक आगे दिया हुआ है 40 लीटर का टैंक, पानी भरने का पाइप है ऑटो फिलिंग,